नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो से हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है आयु संबंधी प्रश्न और इसका आज हम पार्ट वन करेंगे, यानी कि एक टाइप के जो सवाल होते हैं उनको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सवाल हम आज की इस वीडियो में किस तरह के करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है, मनीष तथा किसले की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है तथा उनकी आयु का योग यहां पर 54 है, तो किसले की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो यहां पर हमारे सवाल का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि यहां पर एक बार हमें अनुपात दिया रहेगा, ठीक है, और एक बार हमें आयु का योग दिया रहेगा या अंतर दिया रहेगा। तो ऐसे सवालों को आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा ताकि आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ट्रिक जो है वो आदमी भूल जाता है लेकिन कॉन्सेप्ट अगर उसको पता है तो वो कभी भी नहीं भूलता। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के साथ में हम क्लियर करेंगे। अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर हमारा पहला सवाल है, ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना है, 6:5 है तथा उनकी आयु का योग कितना है, 44 वर्ष है, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है, अगर आप एक बार समझ जाएंगे इसके कॉन्सेप्ट को तो आप जो है इसको सेकेंडों में हल कर देंगे, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो यहां पर समझिएगा ध्यानपूर्वक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें यहां पर क्या समझना है कि भैया दोनों का अनुपात कितना दिया गया है, 6:5 है, तो हम मान लेते हैं कि भैया इनकी जो वर्तमान आयु है, ठीक है, इनकी जो वर्तमान आयु है हमने मान ली वो कितनी है, 6x, ठीक है, और 5x। ठीक है भाई, 6:5 दिया था तो हमने मान लिया कि माना इनकी आयु का जो आयु है वो कितनी है, 6x है और 5x है। ठीक है, तो अब हमें आगे प्रश्न को पढ़ना है, उनकी आयु का योग कितना है, 44 है। ठीक है, जब हमने मान ली आयु कितनी है, 6x है और 5x है, तो दोनों की आयु का जो योग है वो हमें कितना दिया है, 44। तो चलिए दोनों को जोड़ देते हैं, तो 6x + 5x, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के बाद में कितना आ रहा है, 44 आ रहा है, तो बराबर में हम लिखेंगे 44। ठीक है, जैसा सवाल बोल रहा है वैसा हम कर रहे हैं, दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 6:5 है, तो हमने मान लिया 6x और 5x उनकी आयु है। अब दोनों का योग कितना है, 44 है, तो हमने दोनों को जोड़ दिया, इसके बराबर में 44 लिख दिया। ठीक है, अब इनको जोड़िए, 6 और 5 कितने हो जाएंगे, 11, और ये साथ में x है तो 11x हो गया और बराबर के आ गए हमारे 44। ठीक है, 11 से काट दीजिए, 11 एकम 11 11 चौके 44। ठीक है, तो x बराबर आ गया हमारा 4। ठीक है, तो x बराबर 4 आ गया, तो हमने आयु क्या मानी थी, एक तो मानी थी 6x और एक मानी थी 5x, तो 6 गुणा यहां पर x का मान कितना है, 4, तो 6 गुणा 4 और दूसरी क्या हो जाएगी, 5 गुणा 4। ठीक है, तो यहां पर 4 छिंग कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, और यहां पर 5 चुको कितना हो जाएगा, 20। तो ए और बी की आयु कितनी आ गई है, 24 और 20। ठीक है, इतना ही सिंपल है और इतने ही सिंपल तरीके से आपको करना है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर दूसरा सवाल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, श्याम और मोहन की आयु का अनुपात हमें दिया गया है कितना है, 4:3 है, तथा इनकी आयु का योग कितना है, 28 है, तो हमें यह बताना है 8 वर्ष बाद उन दोनों की आयु क्या होगी। तो यहां पर सवाल में थोड़ा सा चेंज है, वो हम यहां पर अभी समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, मान लेना है कि इनकी आयु कितनी है, 4x है और 3x है, क्योंकि अनुपात दिया गया है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं भैया श्याम की जो आयु है, श्याम की जो आयु है वो कितनी है, 4x है, और इसके बाद में मोहन की जो आयु है वो कितनी है, हमने मान लिया 3x है, क्योंकि यही हमें अनुपात दिया गया है। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद में हमें दिया गया है आयु का योग कितना है, 28 है। ठीक है, तो दोनों की आयु को जोड़ देते हैं, तो 4x + 3x बराबर कितना है, 28। ठीक है, दोनों का योग कितना है, 28 है। ठीक है, तो यहां पर देखो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7x। ठीक है, बराबर में आ जाएगा 28। ठीक है, तो यहां पर x बराबर कितना आ जाएगा, 28/7। अब 7 से काटिए, 7 एकम 7 7 चौके 28। तो हमें यहां पर x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा क्या है, 8 वर्ष बाद आयु। ठीक है, तो ये तो है वर्तमान आयु, ठीक है, मतलब आज के समय की आयु, तो 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, इनमें 8 8 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 8 वर्ष बाद कितनी होगी, 8 वर्ष बाद आयु। ठीक है, 8 वर्ष बाद कितनी होगी, 4x + 8 और
3x प्लस 8 यही होगी। अब हमें क्या करना है इनमें, हमें क्या करना है यहाँ पर x की वैल्यू रख देना है। तो चलिए x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर 4 ठीक है, और x की वैल्यू भी कितनी है 4 है, और इसके बाद में प्लस का 8, तो ये हो गया प्लस का 8, तो 4 चौक 16, 16 और 8 कितने हो जाएंगे 24 ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 24 ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा 4 दिया 12, 12 8 20, तो ये हो जाएगा 20 ठीक है। तो दोनों की 8 वर्ष बाद जो आयु है वो कितनी होगी 24 और 20 होगी ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला सवाल करते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल है इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, तो वो क्या होगा आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिए कि भैया 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है 5:2 है ठीक है। तो हम मान लेंगे, माना 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद ठीक है, 10 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी होगी, दोनों की आयु कितनी होगी, हमें अनुपात दिया है 10 वर्ष बाद का, तो 5x और 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी दोनों की आयु 5x और 2x हो जाएगी ठीक है। क्लियर है यहाँ तक भाई, हमें 10 वर्ष बाद का अनुपात दिया था तो हमने लिख लिया भैया 5x और 2x ठीक है, ये 10 वर्ष बाद का है ठीक है। अब हमें निकालना है वर्तमान का ठीक है, तो वर्तमान का क्या हो जाएगा भैया, तो यहाँ पर ये 10 वर्ष बाद का है तो 10 वर्ष पहले जो होगा वो वर्तमान होगा ठीक है, तो इसमें से माइनस 10 कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्तमान आयु ठीक है, वर्तमान आयु ठीक है, वर्तमान आयु क्या होगी पिता की, क्या हो जाएगी 5x माइनस 10, क्योंकि 10 वर्ष पहले वर्तमान है, ये 10 वर्ष बाद की दी गई है, तो वर्तमान में कितनी होगी 5x माइनस 10, और इसकी क्या हो जाएगी 2x माइनस 10। क्लियर। अब हमें क्या दिया गया है कि उनकी वर्तमान आयु जो है उनका योग कितना है 50 है, तो वर्तमान आयु दोनों की कितनी है ये है, तो चलिए इनको जोड़ देते हैं, तो 5x माइनस 10 प्लस इसके बाद में क्या है यहाँ पर 2x माइनस 10 ठीक है, और बराबर इनको दोनों को जोड़ने के बाद में कितना आ रहा है 50 आ रहा है, तो हमने लिख दिया 50 ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5x माइनस 10 प्लस 2x माइनस 10 बराबर कितना है 50 ठीक है। तो यहाँ पर 5 और 2 कितने हो जाते x ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 7x, फिर इसके बाद में यहाँ पर कितना है माइनस 10 और माइनस 10 कितने हो जाएंगे माइनस 20 और बराबर का 50 ठीक है। अब हमारा 7x बराबर 20 को उस तरफ भेज दो, तो यहाँ पर 50 प्लस 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 70 ठीक है। क्लियर है। चलिए तो अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं ताकि हमें हल करने के लिए थोड़ी जगह मिल जाए ठीक है। तो हमारा यहाँ पर 7x बराबर आ गया 70, 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 धाम 70, तो x की वैल्यू जो है वो आ गई हमारी 10 ठीक है, x की वैल्यू 10 आ गई। अब हमें दोनों की वर्तमान आयु बताना है, तो वर्तमान आयु कितनी है 5x माइनस 10 और 2x माइनस 10, तो 5x का मान कितना है 10 और माइनस 10 ठीक है। इसके बाद में दूसरे यानी बच्चे की आयु कितनी है 10 यहाँ पर और माइनस का 10 ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 धाम 50, 50 माइनस 10 यानी कि 40 ठीक है, और यहाँ पर 10 दूनी 20, 20 माइनस 10 यानी कि 10 ठीक है। तो यहाँ पर पिता की आयु वर्तमान आयु कितनी है 40 है, और पुत्र की कितनी है 10 है ठीक है, समझ में आया। चलिए यहाँ पर इसको मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पर सवाल दिया गया है कि वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है 50 है वर्तमान में है ठीक है, और हमें यहाँ पर 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दिया गया है कितना है 5:2 है। तो हम मान लेते हैं, माना 10 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी होगी, तो 5x होगी और 2x होगी, क्योंकि हमें अनुपात दिया है 5x और 2 ठीक है, 5 और 2 दिया है। तो अब हम वर्तमान आयु निकालेंगे, तो वर्तमान आयु क्या होगी, ये वाली जो है ये 10 वर्ष बाद की है, तो 10 वर्ष पहले की कितनी होगी 10 में 10 माइनस कर देंगे, तो वर्तमान आयु हमारी ये आ गई। अब हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, वर्तमान आयु को हमने जोड़ दिया, वर्तमान आयु का योग कितना था 50 था, तो बराबर में 50, यहां से हमें एक्स की वैल्यू मिली कितनी 10, और हमने यहां पर 10 को रखा और हमें 40 और 10 जो है हमें यहां पर दोनों की एज मिल गई ठीक है। चलिए अगला सवाल है, मनीष तथा किसलय की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:4 है, कितना है, मनीष तथा किसलय की आयु का अनुपात 5:4 है, तथा इनकी आयु का योग
54 है, ठीक है, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है, तो वर्तमान आयु का अनुपात है, ठीक है, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5x, ठीक है, और 4x, ये हमने मान लिया कि दोनों की आयु कितनी हो गई, 5x और 4x हो गई। अब हमें दिया गया इनकी आयु का योग कितना है, 54 है, तो दोनों को जोड़ दो, 5x प्लस 4x बराबर 54, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 4 9, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 54, 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 छक्के 54, एक्स बराबर आ गया हमारा 6, ठीक है, तो दोनों की वर्तमान आयु, ये एक की ये है, एक की ये है, ठीक है, तो ये हमारी मनीष की है और ये है किसलय की, ठीक है, तो मनीष की निकाल देते हैं भैया पहले, मनीष की कितनी हो जाएगी, 5x है तो 5 × x का मान कितना है 6, तो 5 6 30 हो जाएगी मनीष की, और किसलय की निकाल देते हैं तो किसलय की कितनी हो जाएगी, किसलय यहाँ पर है 4x, तो 4 × 6 बराबर 4 × 6 = 24, तो एक की आ गई 30, एक की आ गई 24, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल है एक और सामने, जय तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात, ठीक है, जय है, जय कोई पिता है, ठीक है, और उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, 7:3 है, तथा आयु का योग 80 है, ठीक है, उनकी आयु का अंतर क्या है। अब हमें यहां पर आयु का अंतर बताना है, ठीक है, आयु नहीं बताना, आयु का अंतर बताना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि भैया उनकी आयु का अनुपात कितना है, 7:3 है, तो उनकी आयु हो जाएगी 7x और 3x, ये हमने मान लिया, इन दोनों का योग कितना है, 80 है, तो इन दोनों को जोड़ दो, 7x + 3x = 80, ठीक है, जोड़ेंगे तो 7 × 3 = 10 हो जाएगा, 10x बराबर हो जाएगा हमारा 80, तो 10 से काटेंगे, 10 8 है 80, तो x बराबर आ गया हमारा 8, ठीक है, ये तो हमारा आ गया x की वैल्यू, ठीक है। अब हमें पूछा है उनकी आयु का अंतर क्या है, ठीक है, तो आयु का अंतर मतलब कि 7x - 3x बराबर क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 7 और x की वैल्यू रख देते हैं, कितना हो जाएगा, x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर 8 है, -3 और यहाँ पर भी x की वैल्यू 8 है, और बराबर में क्या आएगा वो हमें बताना है, तो 7 × 8 = 56 -8 = 24, ठीक है, तो 56 - 24 कर देते हैं, 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेंगे, 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेंगे, तो दोनों की आयु का अंतर क्या है, ये हमने अंतर निकाला है, तो अंतर क्या है, 32 है, और 32 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे 5 सवाल जो मैंने आपको हल करवा दिए हैं, आशा है आपको 5 के 5 ही सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट करके जरूर से पूछिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।